नमस्कार प्राइम टीवी पर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। कांग्रेस ने मोदी सरकार की चीन नीति की आलोचना की, खुफिया चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया। चुनाव आयोग ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को दी सख्त चेतावनी, सीएम जगन रेड्डी पर की थी अशोभनीय टिप्पणी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने ठंड के महीनों में बताई लोकसभा चुनाव कराने की जरूरत, गिनाए कई कारण। प्रज्वल जैसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार की मंशा पर उठाया गंभीर सवाल। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में धमकी भरे ईमेल को लेकर सख्त हुआ केंद्र, स्कूल्स में सीसीटीवी बढ़ाने के निर्देश। अलीगढ़ में विकास से कोसों दूर रहा गांव, ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, प्रशासन ने चलाए अभियान। नामांकन के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी से अभद्रता, उम्मीदवार को प्रशासन ने नामांकन कक्ष से डांटकर भगाया। जौनपुर में किंग पैलेस में नुक्कड़ सभा का आयोजन, पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद। लखनऊ में प्रवर्तन में बड़ा फेरबदल, प्रवर्तन इंजीनियरों पर गिरी गाज, एलडीए में लंबे समय से जमे थे इंजीनियर। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने चाचा और भतीजे को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। सुनीता विलियम्स की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा टली उड़ान से, 90 मिनट पहले रोकी गई उड़ान, तकनीकी खामी के चलते रोकी गई उड़ान। रूस में अमेरिकी सैनिक को किया गया गिरफ्तार, अमेरिकी सैनिक की पहचान नहीं हुई उजागर। चर्च में एक आदमी ने पादरी पर तानी बंदूक, बोला आत्माओं ने ऐसा कहा है, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत की जांच के नतीजों का कर रहे इंतजार, पन्नू की हत्या के कथित साजिश मामले में बोला अमेरिका। हमास की ओर से शांति समझौता स्वीकार करने पर इसराइल ने दी प्रतिक्रिया, कहा राफा में अभियान जारी रहेगा। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च, बीसीसीआई का खास अंदाज देख रोहित भी हुए हैरान। धोनी को लेनी चाहिए जिम्मेदारी, माही के निचले क्रम पर उतरने को लेकर पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने खड़े किए सवाल। सूर्य कुमार यादव का दूसरा आईपीएल शतक, तिलक के साथ मुंबई इंडियंस के लिए चौथे विकेट पर सबसे बड़ी साझेदारी की। महिला T20 विश्व कप में भारत का बांग्लादेश पर जीत का चौका, भारत ने मुकाबला डकवर्थ लुईस मेथड से 56 रनों से जीता। बॉल बॉय से इंप्रेस हुए लखनऊ के असिस्टेंट कोच जॉन्टी रोड्स, मैच के बाद लिया इंटरव्यू, एलएसजी और आईपीएल ने पोस्ट किया वीडियो। मेट गाला में गिगी हदीद ने लूटी महफिल, गार्डन ऑफ टाइम थीम का किया प्रदर्शन। मेट गाला में साड़ी गाउन में जलवा बिखेरती दिखी ईशा, भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा ने डिजाइन की साड़ी। क्रिस हेम्सवर्थ पत्नी एल्सा पटाकी के साथ पहुंचे मेट गाला, दोनों में दिखी लाजवाब केमिस्ट्री। मलयालम अभिनेत्री कनकलता का निधन, 63 साल की उम्र में ली आखिरी सांस।
और डीसी यूनिवर्स के फैंस को जेम्स गन का बड़ा झटका, अब नहीं बनेगी वंडर वुमेन की तीसरी कड़ी। तो 5:25 में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।